नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने घर पर ही मोबाइल रिपेयर करना सीखेंगे। 80% मोबाइल में एक ही दिक्कत आती है कि वह ऑन नहीं होता है और हम सोचते हैं कि मोबाइल ख़राब हो गया। हम उसको मोबाइल रिपेयर शॉप पर ले जाते हैं। रिपेयर करने वाला मोबाइल को पीछे का ढक्कन खोलकर बैटरी को देखेगा और बोलेगा आपको कि इसका सॉफ्टवेयर उड़ गया है या इसकी आईसी उड़ गई है, और वो आपसे 100 से 500 रुपया खर्चा बता देगा। तो दोस्तों, वो खर्चा बचाने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ये मोबाइल है नोकिया का मेरा, तो इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं सबसे पहले एक बार चार्जर लगाकर इसको ऑन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं इसका ऑन स्विच ऑन करता हूँ, मल्टी सॉकेट का। तो दोस्तों देखो, ये अब इसमें आ रहा है नोकिया लिखा हुआ, और ये बैटरी भी अब शो कर रहा है कि इसमें बैटरी चार्जिंग हो रही है, लेकिन हम इसको ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन नहीं हो रहा। बहुत से मोबाइल में ये बैटरी चार्जिंग का सिग्नल भी नहीं देगा, शो ही नहीं करेगा कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो इस पोजिशन पर हमें क्या करना चाहिए? हम क्या करते हैं, सोचते हैं कि मोबाइल ख़राब हो गया, चलो यार इसको रिपेयरिंग सेंटर पे ले चलते हैं, वहाँ ठीक हो जाएगा। नहीं तो मन में एक शंका सी हो जाती है कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, मेरे को नया लेना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बिगड़ता इन मोबाइलों का। सबसे पहले मैं इसका ये ढक्कन खोल के मैं दिखा देता हूँ आपको। ये बैटरी निकालते हैं घर पर, और जैसे आप देख रहे हैं मेरी बैटरी फुली हुई नहीं है, और इस बैटरी में आप गोल्डन कलर की ये प्लेट देख रहे हैं तीन, इनमें आप देखिए, मैं थोड़ा कैमरे को फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये दिखाई दे जाए। इनमें आप देखिए तीन पिन हैं, इन पे ब्लैक कलर के निशान आए हुए हैं, और इसी वजह से कार्बन, एक्चुअल में कार्बन है, और इसी वजह से हमारा मोबाइल ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले मैं इसको प्लेट को प्लेट से कार्बन रिमूव कर देता हूँ। कोई भी नुकीली चीज़ लेकर आप प्लेट से कार्बन आसानी से रिमूव कर सकते हैं, और यही मेन दिक्कत है मोबाइल में, यही मेन दिक्कत होती है 80% मोबाइल में। यही दिक्कत आती है कि हम सोचते हैं हमारा मोबाइल ख़राब हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। दुकानदार को तो पैसे चाहिए होते हैं, वो एक बार देख लेता है बैटरी में कार्बन आया हुआ, वो आपको बोलेगा इसमें सॉफ्टवेयर उड़ा हुआ है या आईसी जल गई है। आप सोचेंगे हाँ नुकसान हो गया, और आप 100 या 500 रुपये तक एग्री हो जाते हैं इसको, और इसको कहीं मोबाइल रिपेयर शॉप पर ले जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं इस बैटरी को एक बार मोबाइल में लगा के चेक कर लेता हूँ कि मेरा मोबाइल ऑन हुआ या नहीं हुआ है। तो दोस्तों, ये बैटरी के पीछे आप देख रहे हैं गैप जो बना हुआ है। कई बार क्या होता है, ये बैटरी के पीछे ज़्यादा गैप हो जाता है, तो इससे बार बार इसके पिनों पे, आपके बैटरी के पिनों पे कार्बन आ जाता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले इसके पीछे ना थोड़ा कागज़ लगा लें, अगर ज़्यादा गैप है तो कागज़ लगा लें, अगर गैप ज़्यादा नहीं है तो रहने दें। तो इसको मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे जैसा मेरा मोबाइल जो है स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही आपको घर पे करना है, कुछ नहीं लगता, 2 मिनट में 3 मिनट में आपका मोबाइल ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।